तो दोस्तों यहाँ पे 3 हफ्ते बाद माइक्रोसॉफ्ट वालों की आंखें खुल गई। देखा कि यार विंडोज 11 का 2022 का अपडेट तो हम लोग दे चुके हैं, पर ट्रेलर विलर कहाँ से निकाले। तो कल रात को भाई ट्रेलर यहाँ पे आउट हो चुका है। राइट नाउ यार अनेबल भी आप चाहो तो यार खुद भी चेकआउट कर सकते हो। ट्रेलर में बहुत सारी यार नई चीजें देखने को दिखी है। वैसे तो काफी हद तक चीजों पर हमने बातचीत पहले ही कर ली है, पर हाँ कुछ नई चीजें ऐसी भी थी जिसने मेरा यार माइंड ब्लोइंग कर दिया। भाई सोचो यार माइक्रोसॉफ्ट का अपना स्क्रीन रिकॉर्डर, ऐसी बड़ी सारी चीजें हमें हाईलाइटेड होती हुई दिखी है यार ट्रेलर में। तो उन सब चीजों पर थोड़ी बातचीत करते हैं। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सबसे पहले तो भाई जो विंडोज 11 का 2022 का अपडेट है ये स्टार्ट हो चुका है रोल आउट होना। इवन शायद आप सब ने यार अभी तक कर भी लिया होगा अपडेट। नहीं मिला अपडेट तो मैनुअल आप कर सकते हो, उस पे आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगी। सेकेंडरी भाई बहुत सारी चीजें अभी भी आना बाकी है। लाइक यार माइक्रोसॉफ्ट वालों ने किया क्या ना, अपडेट इनके फेज में देंगे। फेज को इन्होंने मूवमेंट नाम रखा है, तो अभी मूवमेंट 1 अपडेट एक हफ्ते में शायद आने वाला है जिसमें और भी नए फीचर्स ऐड होंगे। तो इस तरीके से अब ये लोग करने वाले, एकदम से सारे फीचर नहीं देंगे, तो वही चल रहा है। बाकी यहाँ फीचर्स में देखो यार जितना कुछ मैंने पहले बताया था ना उनको मैं हटा देता हूं और जो कुछ नया नया आया है ट्रेलर में देखने को दिखा है वो सब आपको बताता हूं। तो सबसे पहली चीज तो फाइल एक्सप्लोरर 1 ऑफ द बिगेस्ट अपडेट आप बोल सकते हो, टैब वाला फीचर उसको अनेबल यहां पे कर दिया गया। बाकी यहां ये मूवमेंट 1 जो अपडेट एक हफ्ते में आएगा ना वहां पे यार नॉर्मल स्टेबल लोगों के लिए भी यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। बाकी यहां फाइल मैनेजर में टैब का फीचर 1 ऑफ द मोस्ट यूजफुल है, इसलिए इन्होंने थोड़ा इसको ज्यादा हाईलाइट भी किया है। सेकेंडरी भाई विजार्ड सेक्शन को आप यार पूरे डिस्प्ले पे लेके उसको कस्टमाइज कर सकते हो या विजिट कर सकते हो क्योंकि उसमें बहुत सारे नए सेक्शन आ गए। तो ये कुछ अच्छा देखने को दिखा, लाइक आप बड़े स्क्रीन में एक बार ही में पूरा खोल सकते, पहले साइड में आता था ना, अब वास्ट स्क्रीन का एक्सपीरियंस ले सकते हो। बहुत सारी सेटिंग को आप वहीं से चेकआउट कर सकते हो या अनेबल डिसेबल जो मर्जी आपका करे वो कर सकते हो। थर्ड यहाँ पे मल्टीटास्किंग के लिए बिल्कुल भाई जो अपना आता था ना ऐप को आप अलग अलग जगह पे यार प्लेस कर सकते हो। वैसे तो वो मॉनिटर्स में यार फीचर्स आता था वो, अगर आप थोड़े एक्सपेंसिव लोगे अब यार विंडोज में आने लग गया। तो हाँ चीज तो बड़ी अच्छी है यार, कहीं पे भी आप यार चीजें कर सकते हो। मल्टीटास्किंग को बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया इस चीज ने। इवन मैं तो यार काफी बार इसे यूज करता हूँ क्योंकि यार देख सकते हो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन यूज कर रहे हैं इस पे, तो इस चीज की यार काफी जरूरत रहती है। और सबसे मजेदार चीज भाई स्निपिंग टूल को कौन नहीं जानता भाई, स्निपिंग टूल 1 ऑफ द बेस्ट है यार स्क्रीनशॉट लेने के लिए। राइट नाउ विंडोज पे बहुत लोग इसे यूज करते हैं। इसमें एक नया फीचर ऐड हो रहा है रिकॉर्ड का, मतलब आप कोई एरिया को पार्टिकुलरली पूरी स्क्रीन को या फिर कोई एरिया को रिकॉर्ड करके किसी को सेंड आउट कर सकते हो। तो एक रिकॉर्डिंग जो था ना इनबिल्ट अब आपको यार विंडोज के साथ मिलने वाली है। ऐसे रिकॉर्डिंग अपनी यार एक्सबॉक्स के द्वारा तो हो ही जाती थी, पर हाँ ये एक और नया तरीका आप बोल सकते हो। जो मर्जी स्क्रीन पर रिकॉर्ड करना चाहो स्निपिंग टूल इज द बेस्ट चॉइस। बाकी हाँ इन्होंने एक स्टूडियो इफेक्ट भी दिखाया, लाइक ब्लर कर सकते हो बैकग्राउंड को या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना लाइव मीटिंग अटेंड कर रहे हो वहां पे आंखों का कनेक्शन देख रहे हैं वो लोग, तो वो सब चीजें आप मैन्युअली इसके अंदर कर पाओगे। तो वो सब चीजों में थोड़ी एनहांसमेंट यहां देखने को दिखी है। बाकी न्यू असिस्टेंट पे तो हमने यार आई बटन पे आप देख सकते हो वीडियो पे बात करी थी, उसके ऊपर भी थोड़ा सा दिखाया है। असिस्टेंट तो भाई नया वाला काफी यार जोरदार है। बाकी यहां कुछ चीजों की अभी भी इसको यार थोड़ी बहुत चीजों की इंप्रूवमेंट नीडेड है। बाकी नेक्स्ट आप ये बोल सकते हो यार मल्टीपल डेस्कटॉप का इन्होंने यार नाम देने का यार फीचर दे दिया, लाइक आप गेमिंग का अलग बना सकते हो फिर यार टास्क के लिए अलग। तो हां ये चीज अच्छी है, पहले यार सिर्फ डेस्कटॉप लिखा आता था, अब आप नेम पार्टिकुलरली प्रोवाइड कर सकते हो और उस तरीके से उसे यूज आउट कर सकते हो। फोटोज में यहाँ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है भाई, आई क्लाउड को भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है, साथ ही साथ वन ड्राइव, इन दोनों की फोटोज अब आपको यार फोटोज ऐप में दिखेगा। तो बहुत बड़ा मैसिव अपडेट आप बोल सकते हो। एप्पल की भी जितनी चीजें हैं विंडोज पे जितनी फोटोज है एक साथ एक कलेक्शन में मिलेगा, तो ये चीज अच्छी थी सही में। नेक्स्ट यार बात करें तो एंड्रॉइड ऐप, इसके अंदर तो आप लोग जानते हो 20,000 से ज्यादा न्यू एंड्रॉइड एप्लीकेशन को यहाँ पे अनेबल कर दिया गया विंडोज पे, तो उस चीज पे थोड़ा दिखाया। बाकी इंडिया के लिए अभी अवेलेबल नहीं है, बाकी यहाँ फीचर्स जो मतलब एप्स वेप्स है वो आ चुके हैं, जैसे इंडिया के लिए आएगा ये सारा कुछ हमारे को भी मिल जाएगा। बाकी दिस इज ऑल अबाउट भाई आप बोल सकते हो विंडोज 11 2022 अपडेट। अभी भी कुछ कुछ चीजें अगर आती है मैं आपको फ्यूचर में अपडेटेड कर दूंगा। नेक्स्ट बात करेंगे यार मूवमेंट अपडेट जो इनका आएगा जिसमें फाइल एंड मैनेजर और बहुत सारी नई नई चीजें एड ऑन हो जाएगी विंडोज के स्टेबल वर्जन में, तब और चीजों पर बात करते हैं। बाकी चलो अभी के लिए इतना ही यार, अगर वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है यार शेयर कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई यार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।